मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से कई हजारों साल पहले ही इस बात को बता दिया था कि कलयुग का, यानी कि इस युग का जिसमें हम जी रहे हैं, उसका अंत कैसे होगा। दोस्तों, जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था, तब उन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्णा, अभी तो ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमको बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वे आकर मुझे बताओ, मैं तुमको उसका प्रभाव अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। पांचों भाई जब वन में रहने लगे, सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी की दो सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की त्रिचाय लिखी हुई है, पर वे पंछी मुर्दों का मांस खा रहा है। इसके बाद भीम ने क्या देखा? भीम ने जो देखा वह भी बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वे बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। अब सहदेव ने क्या देखा? सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं। सहदेव ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब नकुल ने क्या देखा? नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यचकित घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकरा कर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई, अपनी जगह रुक गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार दो सूंड वाले हाथी देखे, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की त्रिचाय लिखी हुई है और वे पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अब भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को इतना प्रेम, इतनी ममता देंगे कि उन्हें विकास का अवसर नहीं मिलेगा। वो बच्चे मोह माया में ही बर्बाद हो जाएंगे और घर पर ही रह जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने ये देखा कि 5 से 7 भरे कुओं के बीच का कुआ एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, सहदेव, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका तो अपना ही सगा भूख से मर जाएगा,
और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यासन में वो पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य घटना देखी। मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के ताने और चट्टाने उसे रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होगा, वो वहीं रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।